मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जिस प्रकार से तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रही है, दो उपचुनाव में हम प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आए हैं, हम दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इसी गति से भारतीय जनता पार्टी बढ़ती रहेगी और 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनने का, ये बार बांग्ला, अब की बार बांग्ला का सूत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल के मतदाताओं के घर घर तक जाएंगे और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बंगाल में भी दिग्विजयी कर आगे 2019 के चुनाव में हम बढ़ेंगे। यही हम बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं और करबद्ध निवेदन करना भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए और सोनार बांग्ला के पुनर्निर्माण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। 2014 निर्वाचन समय लोकसभा निर्वाचन एक ही कथा बोला एक ही बोला 15 ये नहीं आसब আমরা কালোধন নিয়ে আসবো 15 লক্ষ টাকা করে সবাইকে দেব, আমরা তো দেখলাম তার 1 পয়সাও কেউ পাইনি। সুতরাং তারা অনেক ঝড় তুলেছেন, কিন্তু তৃণমূলের এই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে যে ঝড় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলেছেন, সেই ঝড়ে কিন্তু কুপকাত হয়েছিল বিজেপি। আমার এর থেকে বেশি কিছু বলার নেই, এখানে কর্মসূচির ভিত্তিতে চলে, এখানে অন্য কোনো ভিত্তিতে নয়, এখানে ধর্মের নামে অধর্ম নিয়ে এই রাজ্যের সংস্কৃতি নয়।